हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसी टेक्निकल। जैसा कि आपको पता है, गर्मी आने वाली है और आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एसी तो लेना है लेकिन ये नहीं पता कौन सा लेना है, नॉन इन्वर्टर लेना है या इन्वर्टर एसी लेना है। एसी लेने से पहले आप या तो अपने फ्रेंड से एडवाइस ले लेते हैं या अपने रिलेटिव से पूछ लेते हैं भैया कौन सा एसी ले लें, आपको पता ही नहीं है एसी कौन सा लेना है। तो आज मैं आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने आया हूँ। आपको मैं बेसिक नॉलेज दे दूंगा कि नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर एसी के अंदर क्या फ़र्क होता है। जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है उसके बारे में मैं आपको पहले डिटेल बता दूं कि उसका क्या कितना करंट लेता है, क्या फंक्शन है, वो आपको मैं समझा दूं। नॉन इन्वर्टर एसी जो होता है वो जब स्टार्ट होता है उसका जब कंप्रेसर स्टार्ट होता है 1.5 टन एसी का जब कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो वो कितना करंट लेता है, वो स्टार्ट होता है 2 टन के कंप्रेसर के हिसाब से। वो जो करंट लेता है ना एकदम से स्पाइक मारता है, जो करंट लेता है वो 2 टन का लेता है। उसके बाद 1 मिनट के अंदर अंदर वो 1.5 तक आ जाता है, नीचे आ जाता है उसका करंट। लेकिन जो स्टार्टिंग करंट होता है उसका बहुत ज़्यादा होता है, 2 टन के लगभग होता है। तो अब इन्वर्टर एसी के अंदर क्या फ़र्क होता है, इन्वर्टर एसी जो होता है वो जब स्टार्ट होगा तो उसमें वो जब स्टार्टिंग करंट लेगा वो 0.75 के हिसाब से करंट लेगा। जी हाँ, 0.75 टन एसी के हिसाब से करंट लेगा। फिर उसके बाद 1 टन में जाएगा, फिर 1.5 टन में जाएगा। जब आपका रूम ठंडा हो जाएगा, चिल्ड हो जाएगा, तो वो 1.5 टन से 1 टन पे आ जाएगा, फिर 0.75 टन पे आ जाएगा। इसी तरह से इन्वर्टर एसी रेगुलर चलता रहेगा जिससे आपकी बिजली काफ़ी बचती है। तो मोटा मोटा जो दोनों एसी के अंदर फ़र्क यही है कि जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है वो एक ही स्पीड पे चलता रहता है। जब तक आपके एसी का रूम टेम्परेचर सपोज करो आपने 24 डिग्री सेट कर दिया, नॉन इन्वर्टर एसी में क्या हुआ, जब तक 24 डिग्री टेम्परेचर आ नहीं जाएगा आपके रूम का, वो एक ही करंट पे लगातार चलता रहेगा नॉन स्टॉप। और जो आपका इन्वर्टर एसी होगा वो ऑटोमेटिकली कम होता रहेगा, कम ज़्यादा होता रहेगा, जिससे आपकी बिजली काफ़ी सेव होती है। तो आप एसी लेने से पहले ये बेसिक चीज़ें जरूर समझ लीजिए कौन सा आपके लिए अच्छा है, कौन सा। यूज़ के ऊपर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तरह से आप यूज़ सपोज करो आपने 2 घंटे यूज़ करना है एसी, तो नॉन इन्वर्टर ही आप लीजिए। अगर आपने 10 से 12 घंटे 15 घंटे एसी चलाना है, मान लो किसी रूम में 15 घंटे एसी चल रहा है, तो उसमें इन्वर्टर एसी आप ले सकते हैं। लेकिन नॉन रूम छोटा है या आपका यूज़ है ही नहीं, सपोज करो 2 घंटे या 3 घंटे चलाना है, तो उसमें तो इन्वर्टर एसी इतना चल काम ही नहीं करेगा ना, आप लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो बेसिक जो फ़र्क है इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में यही है जो मैंने आपको बता दिया है।